गाइस, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आज हम लोग एक ऐसे फल बेचने वाले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने बच्चों के लिए स्कूल बनाया है और सरकार अभी पद्मश्री से उनको सम्मानित करेगी। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, उनका नाम क्या है, कहां पर उन्होंने स्कूल बनाया है, हम आज की न्यूज में आपको बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। कर्नाटका के कन्नूर से हमारे सामने ये मामला आ रहा है जहां पर हरेकला हजब्बा नाम का एक शख्स रहता है। एक्चुअली में ये एक फल बेचते हैं और ये फल बेचने के साथ साथ इन्होंने पैसे जमा किए और जमा करने के बाद इनका जो गांव है बहुत छोटा सा गांव है कन्नूर, और वहां पर इन्होंने एक स्कूल तैयार किया और स्कूल तैयार करने के साथ साथ ये वहां पर सुबह सुबह उठ के सफाई करते हैं, पानी गर्म करते हैं और वही पानी बच्चों को पिलाया जाता है कि बच्चों को कोई भी हार्म ना हो। और इनको पद्मश्री अभी अवार्ड भी मिलने वाला है। 18 लोगों का नाम आया है और सबसे ऊपर इनका नाम है, कोई भी एक्चुअली इनको जानता नहीं है। तो हम आपको ये चीज बता दें कि ये कन्नूर में रहते हैं और जब हमने इनसे पूछा कि एक्चुअली में आप कितने ज्यादा खुश हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी खुशी कैसे जाहिर करूं। और जब हमने इनसे पूछा कि आपका क्या कैसे प्लान हुआ कि यहां पर आप स्कूल बनाए, तो उन्होंने ये चीज बोली कि मैं एक बार फल बेच रहा था, उस दौरान फल बेचते हुए एक फॉरिनर कपल हमारे मेरे पास आया और उस दौरान उनको फल खरीदना था और वो मुझसे कुछ बोले और मैं समझ नहीं पाया और मैंने फलों की कीमत उनको बताई तो वो समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से वो फल खरीद ही नहीं पाए, जिसके कारण मुझे लगा कि जैसे मैं कुछ समझ नहीं पाया हूँ तो हमारे गांव के जो बच्चे हैं कल को वो भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने भी वैसे स्कूल नहीं खोला है। तो उन्होंने इसका जिम्मा लिया और जिम्मा लेने के बाद उन्होंने पैसे इकट्ठे किए फल बेच बेच के और उन्होंने वहां पर स्कूल तैयार किया जो कि काफी ज्यादा छोटा है पर बच्चों के लिए वहां पर पढ़ाई का एक साधन बन चुका है। ये सब चीजें जान के वहां पर गांव वालों से जब बात की गई तब उन्होंने ये चीज बताया कि 2014 में 2015 में भी हमने इनका नाम एक्चुअली में पद्मश्री के लिए दिया था पर वहां पर इनका नाम सिलेक्ट नहीं हुआ था, इस बार इनका नाम 2020 में सिलेक्ट हो चुका है और जल्द ही इनको पद्मश्री अवार्ड मिलने वाला है और हम काफी ज्यादा खुश है। और जब हमने हजब्बा से बात की तब उन्होंने ये चीज बताया कि हम इसके बाद एक यूनिवर्सिटी भी यहां पर खोलना चाहते हैं और शिक्षा का साधन बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं और सरकार भी हमारी हेल्प करे तो हम भी काफी ज्यादा खुश होंगे। तो आई होप गाइस ऐसे लोगों को बारे में जान के आप काफी ज्यादा खुश हुए होंगे, क्योंकि जहां पर सरकार का काम है वहां पर हर एक जगह पर स्कूल खोलना, बच्चों को अच्छी स्टडी शिक्षा वगैरह देना, तो वहां पर कुछ जगह अभी भी पिछड़ी हुई है और वहां पर स्कूल और वहां पर टीचर्स और वहां पर शिक्षा नहीं पहुंच पाई है। तो हम आशा करते हैं कि ऐसे अगर सरकार नहीं कर रही तो ऐसे लोग आगे निकल के आए और वो वहां पर सरकार तक पहुंचे और सरकार भी उनको हेल्प पहुंचा पाए। आई होप गाइस आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।